हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज संडे है तो मैंने सोचा था फ़ायदा उठाया जाए और दोस्तों को एक और नायाब एक तोहफा दिखाया जाए। तो ये है जी CJ3B, ठीक है ना, 1990 मॉडल। ये चेसी ओरिजिनल पे बनी हुई है, बट इसका इंजन जो है ओरिजिनल पेट्रोल था, वो बाद में किसी ने चेंज कर दिया, इसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर दिया। हमारे एक मित्र हैं हर्ष धालीवाल, उन्होंने तो एज इट इज़ लिया, अब इसको वो ओरिजिनल कंडीशन में लेके आने के मूड में है। तो अभी इसमें इंजन DI है, बट इसमें इंजन ओरिजिनली जो था वो पेट्रोल आता था, CJ3B पेट्रोल। तो अभी टायर हर्ष जी ने नए डाल दिए हैं, NDMS। चेसी ओरिजिनल है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीप ओरिजिनल है अगर हम टायरों को छोड़ दें, ठीक है। ये पीछे आप डाला भी देखेंगे तो ये ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ जो है, इसकी फिटिंग्स जो है ओरिजिनल है। ये देखेंगे आप, बहुत सारे यंग दोस्तों ने नहीं देखी होगी चीज़, अपने पुराने जो ओल्ड जीपर हैं उन्होंने वो देखी होगी प्लीज़। तो ये देखिए, ये खुलता कैसे है, इसको ऊपर करके ये ऐसे, ये इस तरह से ये खुलता है, और फिर इसको हम फोल्ड करके यहाँ पे इसको, इसकी मतलब कि सेटिंग हम बना देते हैं जब हम जीप चला रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे लग जाता है ऐसे, ठीक है। ये देखिए फिटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये मैप लाइट आपकी आ गई, ठीक है। मीटर आप देखिए, इसके यंकी के मीटर है ओरिजिनल, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे जो जीपर फ्रेंड है, जो जीप एक्सपर्ट हैं, वो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं जो इसमें चीज़ें ओरिजिनल नहीं होंगी। तो ये 4x4 इसको बनाना है, तो इसको पास करवा लिया हमने। हर्ष जी ने बहुत मेहनत करी है इसको डॉक्यूमेंट्स पे। ये देखिए ओरिजिनल आर्मी फिटिंग है इसकी, ठीक है। इंजन की अगर हम बात करें तो ये DI इंजन है। DI भी इसमें इतना, मतलब कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एवरेज भी बहुत अच्छी दे रहा है। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, प्रैक्टिकल व्यू से देखते तो DI डीजल इंजन काफ़ी कामयाब और मतलब कि पॉकेट फ्रेंडली भी है। बट हमारे जो हर्ष जी हैं ना, उनकी एक घुंडी अटक जाती है कि ओरिजिनल चीज़ थी तो ओरिजिनल ही बनाना है, ठीक है। आप देखेंगे ना, उन्होंने मतलब कि इसका जो अगला एक्सल भी डाल दिया है, ठीक है, 4x4 के लिए इसकी बहुत तैयारियां उन्होंने कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया सामान उन्होंने सोर्स कर लिया है ऑलमोस्ट। तो बस अब इसकी फिटिंग का काम उन्होंने शुरू करना है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए रियर व्यू मिरर आप देखेंगे, ओरिजिनल आर्मी वाला जो है, और इधर से फिर ये ऐसे ही खुलेगा, ठीक है, ऐसे करके ऊपर। इसमें एक ऐसे लोहे की एक रोड होती है, तो पहले यहाँ पे फंसता है ये ऊपर, और फिर ये नीचे इस फिटिंग में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टेयरिंग की। ऐसा स्टेयरिंग आपने बहुत ही कम CJ3B या किसी भी और जीपों में देखा होगा। दिस इज़ द ओरिजिनल। ये मेरे ख्याल से FC जो आती थी महिंद्रा की, विली से जो उन्होंने लिया था उसका कॉपीराइट, FC 150 जो बनाते थे इंडिया में, FC 170 तो नहीं आया, तो उसमें भी यही स्टेयरिंग व्हील आता था, बस वो थोड़ा सा मोटा होता था, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम इसमें बैठने की एक ट्राई करते हैं, ठीक है, तो बैठ के इसका एक व्यू लेते हैं। तो बैठ के व्यू कैसा आ रहा है इसका,
ये देखिए क्लच की अगर हम बात करें, ओ माय गॉड, सो स्मूथ, सो लाइट, आप मतलब अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं इसका क्लच का। ये देखिए इस पे आपने पैर रखा और ये नीचे गया, तो आप इसकी मनोवरिंग ड्राइवेबिलिटी, इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी आप इसकी देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं। ठीक है, थ्री गियर, ओह सो नाइस, ऐसा गियर नॉब गियर लीवर बहुत कम आजकल देखने को मिल रहा है। रिवर्स 1 2 3, ठीक है। तो और एक और चीज़ जो कि इसकी ओरिजिनलिटी में चार चांद लगा रही है, दिस इज अ हैंड ऑपरेटेड वाइपर। वाइपर की कोई मोटर नहीं है दोस्तों, ये देखिए बारिश आ रही है तो आपको ये हाथ से इसको कर दिया और ये इसने अपना काम कर दिया। सो प्रैक्टिकल, ठीक है, और सो इमैक्युलेट ये जीप की कंडीशन को बना देगा कि आपको लगेगी ओरिजिनल जो है। हम पिछले हिस्से की हम बात कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा डाला दिया हुआ है, तो ये चलाने में कितनी मस्त होगी आप लोग सोच ही सकते हैं कि इसकी जो कटिंग होगी ना, जो रास्तों पे, वो कमाल की। इतनी छोटी सी चीज़ है, इतनी छोटी सी, ठीक है। ये इसका पीछे हम डाला देखते हैं, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल कंडीशन में ले आएंगे। हर्ष जी मुझे पूरा यकीन है, पूरा। हर्ष जी इज़ सो वेल डिफाइंड टैकी मैन, जब ये बन के आएगी ना तब हम इसका एक और डिटेल्ड वीडियो एक डालेंगे, तब आप देखने की ये चीज़ क्या बनाई है। ये देखिए ओरिजिनल लाइट जो आर्मी फिटिंग्स की, एक एक चीज़ पे ध्यान दिया गया है। और अभी तो इसका बहुत सारा जो उन्होंने पार्ट जो ओरिजिनल जो इसके स्विचेज आते थे, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज थे, जो हाई गियर लो गियर का जो एक मतलब कि है थ्री गियर, इवन कि वो तो उसको इसको फोर गियर लीवर बनाने की सोच रहे हैं। वन इज़ द मेन गियर, ठीक है, वन फॉर द हाई, वन फॉर द लो, एंड फोर्थ विल बी फॉर द पीटीओ शाफ्ट। वो इसमें पीटीओ शाफ्ट भी सेट करेंगे। तो ये एक चीज़ आज संडे के दिन आप लोगों को दिखानी थी। इसकी मतलब स्टैंडिंग आप देखिए, स्टैंडिंग पोजीशन देखिए इसकी, कितनी सुपर्ब लग रही है, इमैक्युलेट। तो जैसे कि एक डिसेंट एक लेडी है ना जो साड़ी में लिपटी हुई खड़ी है, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू हर्ष जी यहाँ पे इसको पार्क करने के लिए। हर्ष जी ने थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे इसको पार्क किया था, उनसे परमिशन लेके मैं इसका एक वीडियो एक बनाया है, ताकि दोस्त लोग और जो कुछ यंगस्टर हैं, ओल्ड जीपर तो ऑलमोस्ट इसके बारे में जानते होंगे, जो न्यू जीपर हैं, न्यू जीप एंथुजियास्टिक हैं, ज़रूरी नहीं कि किसी के पास जीप हो तो वही जीप का वीडियो देखेगा। जीप इज ए थिंग, दिस इज़ ए जीप थिंग दैट यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, दिस टैग लाइन हम बार बार पढ़ते हैं। जीप क्या है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट प्रैक्टिकेबल, जो प्रैक्टिकल वाहन जिसको दर्जा दिया गया है, दिस इज़ ऑन रोड, दिस इज़ ऑफ रोड, दिस इज़ टफ रोड। आप इसको मतलब कम्यूटर के तौर पे यूज़ करिए, आप इसको सामान ढोने के लिए यूज़ करिए, और मॉडिफिकेशन के लिए दिस इज़ द मोस्ट सुटेबल व्हीकल। मॉडिफिकेशन जितना जीप में हुआ है, वर्ल्ड में किसी भी व्हीकल के ऊपर मॉडिफिकेशन नहीं किया गया होगा। तो इतना ही था दोस्तों अभी दिखाने के लिए। तो अच्छा, सूर्य ज्योति टफ, ये बाद में चीज़ें बदल दी जाती हैं। अब 1990 से आप सोचो मतलब कि इसको ऑलमोस्ट 30 साल इसको हो गया, तो 30 साल के बाद अगर जब वो चीज़ 3, 4, 5, 6, 7 हाथों में चली जाती है, तो और फिर चेंजिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। परंतु अब ये एक लास्ट एंड फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे आ चुकी है हर्ष जी के हाथ में, तो अब ये प्रैक्टिकल अपने मुहूर्त में आ जाएगी। ओह इसका आप गेज देखेंगे आप, सो हैवी गेज, सो नाइस ग्रिल। ओके दोस्तों,
बाय बाय, थैंक यू, और क्या बोलूँ मैं आपको, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, शब्बा खैर, जो भी है, मतलब एक तरह से मैं बाय बाय कर रहा हूँ। इसका फिर डिटेल्ड वीडियो डालेंगे जब अपना ये रिस्टोर होके एक नई उसमें आएगी एक बार, और फाइनली जीप थिंग पे हम करके इसको बाय बाय करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, बाय बाय।